ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ दरअसल गुरदासपुर का एक अजिहा पिंड है जिस नूं मिनी चंडीगढ़ कहा जाता है। NRI ने 75 लाख की लागत के नाल खुद पिंड की नुहार बदली है। दूर दूर तो लोग इस पिंड नूं देखन आउंदे ने। जी हाँ, यह पिंड है बुल्लेवाल जिथों के गुरजीत सिंह जिन्हां नूं साहब बुल्लेवाल भी कहा जाता है उन्होंने पिंड की नुहार खुद अपनी कमाई के नाल बदली है। की कहना है पिंड वासियों का साहब बुल्लेवाल नूं लैके, आओ जरा सुन लैने आ। ब्यूरो रिपोर्ट, अज की आवाज़। सब स्रोतियों वेखण वालों नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये नगर बुल्लेवाल जिथे साडा साहब वीर साहब बुल्लेवालिया करके जिन्हों सारी दुनिया जानती, क्योंकि लगातार यूट्यूब के उत्ते इस वेले छाया पिया, क्योंकि अपने वास्ते काम हर बंदा करता, समाज वास्ते कोई विरला विरला करता। साहब बुल्लेवालिए ने अज साडा जिहड़ा वातावरण आ, बिल्कुल पानी साडा गंदला हो गया, वातावरण जिहड़ी हवा जिहड़ी प्रदूषित हो गई आ। तो किसी समाज सेवी बंदे इदा के जोड़े आ बहुत विरले मिलते हैं, जिन्ना जोड़े अपने पिंड वास्ते जां अपने इलाके वास्ते काम करते हैं। साहब बुल्लेवालिए ने अपना पिंड का यह जहाँ कोई कोना नहीं छड़िया जिथे उन्हें बूटा नहीं लाया, पार्कां नहीं बनाईया, अणगिणत काम किए उन्हें। पिंड के शमशान घाट होए, ग्राउंड होई, चार छुरे पिंड की फिरनी होई, वेखण लायक आ जिहड़ी दुनिया जिन्हें भी इत्थों के स्रोते लंघते ने सारे वेखते ने बुल्लेवाल नूं, और साहब बुल्लेवालिए नूं याद करते, क्योंकि लखां रुपया अपनी जेब दे विचों कढ के लाउणा एक मैना रखदा। दूजे काम तो सरकारी अज काम वेखो, सरकारी पैसा भी साडा वा, पर वह भी जिहड़े ना वो इदां ही घपले तो घपले सामने आउंदे आ, पर अपनी जेब दे विचों इन्ना पैसा खर्चना, लखां रुपये उन्हें पिंड नूं ला के खूबसूरत बनाया, जिहड़ा अज एक मिसाल आ पंजाब दे विच। वातावरण नूं लै के भी पहल की गई है, तुहाडे वल्लों नूं की कहना चाहते, क्योंकि अक्सर देखण नूं मिलदा कि दरख्त वगैरह बहुत। देखो दरख्त हवा चंगी हवा हर कोई लैनी चाहुंदा वा, पर दरख्त ला के कोई नहीं राजी हैगा, क्योंकि अज चार छफेरे दरख्तों की जिनी कटाई हो रही है ना, उन्ने बूटे लग नहीं रहे। पर साहब बुल्लेवालिए ने अपने पिंड का यहोजा कोई कोना नहीं छड्डिया जिथे दरख्त नहीं, क्योंकि साडी जिहड़ी हवा जिहड़ी उह बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। अज जिहड़ियां बीमारियां ने सानू घेरिया पिया, हर हस्पताल भरिया पिया, वह कारण इहो ही आ कि साडा वातावरण जिहड़ा उह गंदला हो चुका। ये हर बंदे नूं अज कोशिश करनी पैनी है, तां ही अहीं इस वातावरण दे विच जूझ सकदे हां, क्योंकि इस वेले साडा पौण पानी जिहड़ा उह बिल्कुल खराब हो चुका। सर दस दिओ अपना नाम ते पिंड बुल्लेवाल विच NRI वल्लों जिहड़े काम करवाए गए किवें देखदे हो, क्योंकि ज़्यादातर पिंडां विच काफ़ी विकास कार्ज होण वाले पे आ पर लोग ध्यान नहीं देते। बहुत वधिया जी, ये जो साहब बुल्लेवालिया इन्हें अपनी नेक कमाई चो पैसा कढ के बुल्लेवाल उत्ते लाया, और बुल्लेवाल नूं एक मॉडल पिंड बना दिता। गुरदासपुर दे विच सब च लोग पुछते आ बुल्लेवाल कित्थे आ, ते फिर अहीं वी कई बार कमेंट करके दस्या भी गुरदासपुर दे विच बटाले दे नज़दीक पिंड आ बुल्लेवाल, जो एक लड़का कोई एडे वड्डे घर दा भी नहीं सी, ते विदेश गया, नॉर्वे च गया, तो उस नू एक इसे ही दिल चा भी मैं पिंड नू सोहना बनाउणा। पिंड दे विच तुसीं चार स्पेयर देखो, दरख्त लगे आ, पार्कां बनाईआं, और उहने बजुर्गां दे बहण वास्ते कुर्सियां बहुत ज़्यादा, जिस तरह कितें भी बंदा बैठ दे ते बड़े इंजॉय कर सकदा, और बहुत ही मन खुश हुंदा इस नू वेख के। परमात्मा दी चढ़दी कला रखे ते हमेशा हसदा वसदा खेलदा रहे। पिंड वासियों का किवें दा देखण नूं मिलदा रिस्पोंस, पिंड वासी किन्ना कु खुश ने इहनां दे कम्मां तों? पिंड वासियों का मैनूं ते जिथों तक मैं सच ही बोलूँगा, कुछ तो लोग बहुत ही इत्थे औखे ने, वो कहिंदे आ भी इहनूं बाहरों जिहड़ी सेवा संस्था कोई पैसा दिंदी आ, ते मैं आख्या मैं भी यूरोप च रहिंदा, कोई सेवा संस्था पैसा नहीं आती, वो नेक कमाई का पैसा तो उन्हें धरत लाया, वो धनवाद करो, वह धनवाद करके वो लत्तां ना खिंचो। ज़्यादातर लोग खुश ने, ज़्यादातर लोग खुश आ, कुछ हर थान यहो जे आंसर होंगे, कई बूटे साड़े भी आ, कई बूटे पुट्टे भी आ, पर वो फिर भी लाता रहा।
एक अंकल और गल सुनना चाहिए, इतने लोग बाहरों भी पिंड नूं देखण आउंदे स्पैशल जिवें कोई रिश्तेदार जां किसे घर कोई आउंदा इत्थे आउंदे देखण? बहुत लोग आउंदे आ जी, आम लोग वीडियो बना के जाते आ, इस तुसीं लागे ही वेखो कि सोहना छप्पड़ ही बहुत गंदा हुंदा छप्पड़, इहदे विच बूटी ही ते सफाई करके उहदे दुआले बूटे लाए आ ते किन्ना चंगा लगदा वा। की संदेश देना चाहते हो आम नौजवानों को या होर पिंड दे लोगों को? मैं ये संदेश देना, जिस तरह साहब बूले वाली ने अपने कमाई चों लाया वा ते जिन्ना वीरां दा चंगा काम आ बाहर जिहड़ा कोई पैसा कढ़ सकदे आ वह अपने हत्थी पैसा पिंडां ते लाउण, किसे नूं मदद ना भेजण, तां ही तुहाडा पैसा सही जगह ते लग सकदा ते उस तरह। दस दिओ अपना नाम ते पिंड विच किन्नी लागत नाल किहड़े किहड़े काम करवाए गए? सब तो पहला तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं अपना कीमती समा कट के साडे छोटे जिहे पिंड बूलेवाल विखे आए हो। मेरा नाम रशपाल सिंह है जी। साडे पिंड विच साहब बूलेवालिए ने जो काम किया एक मिसाल बना दिती आ, क्योंकि उस साडे भरा ने दिन रात मेहनत करके बहुत ही मतलब कि सोहना काम जिहड़ा साडे पिंड वालिआं वास्ते और इलाका निवासियों वास्ते किया। और हुण तक जो साडे बूटे लगे ने 2000 तो उपर बूटा जिहड़ा आ साडा सारे ही पिंड दे विच लगा आ, जिन्हां दे विच तकरीबन 500 बूटे दे विच विच बूटा जिहड़ा आ वह फल फलों वाला आ। सो इस तों अलावा लाइटां दा प्रबंध जिहड़ा साहब बूलेवाली वल्लों किया गया आ, बच्चों वास्ते झूले, बजुर्गों के बैठने वास्ते कुर्सियां जो लाइया गई ने उसका भी जो मतलब कि बजुर्ग जिहड़े ने आ के जदों बैठते होणगे तो मैं सोचदा भी उसका जो भी अपने आनंद आ वो साहब नूं आउंदा होएगा, क्योंकि वो दी सोच ही इस तरह की ही कि मैं मतलब कि हर एक इंसान वास्ते कुछ ना कुछ करा। सो साहब वीर ने जो काम किया आ वो सानू पिंड वासियों नूं तो चलो माण है ही है आ, ये साडे जो मतलब कि मेरे नाल जो वीर खलोते ने ये भी साडे मतलब कि कह लो भी पिंड दे ही ने इस वक्त, इन्हां नूं भी बहुत माण आ साहब ते। तो सो सानू इन्हां मतलब कि चंगे लोगों की जिहड़ी आ वो हलाशेरी साडे नाल रहिंदी आ, इन्हां दा सहयोग आ जिहदे आसरे अहीं जिहड़ा सारा काम जिहड़ा इह करदे आ। उस तो इलावा भी देखा जाए जिवें गलियां दे उपर बोर्ड लगाए हुए आ, हाँ जी, नाम लिखे हुए आ, हाँ जी हाँ जी, उहनां बारे दस दिओ। देखो जी, बच्चों बजुर्गों वास्ते जो झूले ने कुर्सियां ने वह तो सारा प्रबंध किया आ, और लाइट का प्रबंध जिहड़ा वह भी पिंड के चार चुफेरे जिहड़ा वह भी किया गया आ, और हर मतलब कि हर एक गली नूं जिहड़ा नंबर दिता गया साहब बूलेवाले वालों, तां जो कि एक जिहड़ी आ बाहर दे देशां वांगू जिहड़ी मतलब कि वह सोच ही उसकी उस तरह उन्हें काम किया आ। और असीं पिंड वासी होण करके अपने वीर साहब बूलेवालिए ते बहुत ही माण महसूस करते हाँ, परमात्मा कृपा करे इस परिवार के उत्ते अपना मेहर भरिया हाथ रखे ता जो कि आने वाले समय के जो भी साढ़े पिंड के अधूरे काम ने वो पूरे कर सकन। सानू अपने वीर ते बहुत माण है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, पैसा 75 लाख तो उपर लग चुका है और निरंतर जारी आ, रोज़ मतलब रोज़ ही कुछ ना कुछ जिहड़ा पैसा उहदा साहब दा लगदा ही आ। 365 दिनां दे विच कोई दिन ऐसा नहीं हुंदा कि जिस दिन कोई पैसा नहीं खर्चा जांदा। सरकार वल्लों कोई मदद मिलदी है जां सर आपे कर रहे? वेखो जी, सरकार वल्लों कोई मदद नहीं अज तक सानू मिली, जिन्ना भी पैसा लगा आ साहब ने अपनी जेब दे विचों लाया आ, और एक एक पैसा जिहड़ा आ उहने अपने मतलब बड़े तरीके दे नाल जिहड़ा आ वो वरत्या जी। थां जिदा कि थोड़ा इतने दिक्कत थां नहीं घट वा, थां हो तो वह वड्डी कुर्सी भी कहते आप लवा देंगे तो बहुत वधिया काम करन दिया वीर। चंडीगढ़ बनाता पिंड, हाँ जी बहुत वधिया बनाया जी। हुण आ पिंड तो बाहर जाके वेखो उधर साडे मतलब शमशान घाट आ क्रिश्चना दे, उधर भी उन्होंने बहुत वधिया काम किया, फिर ग्राउंड च वा उधर भी उन्होंने बहुत वधिया दरख्त लाए आ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कोई भी पार्टी बाजी नहीं हैगी वीर च, तो वह मतलब वो रब ने उन्होंने चंकी बुद्ध दी है तो वो ये काम करन दिया जी। हाँ जी भाजी, मैं इनाला हलका तो पिंड मेरा तेरा राजपूत, अज तक मैं अज तक काम ऐसा नहीं वेख्या जोड़ा इस पिंड काम होया जी। ये वधाई दे पात्र है, वधाई लख लख वधाई हो पिंड। मैं यात्रा करके आ रहा हूँ, मैं इतने बैठा
आंदा वेख्या बैठन का बहुत वधिया संबंध आ। इन्ना किसी इलाके दे विच वी बड़ी दूर तक जाईदा कोई इहदे प्रोग्राम नहीं इहो जिहा देखे जिहड़े सानूं इत्थे देखण नूं मिलिया ते बैठण नूं मिलिया। मन खुश हुंदा जी? मन खुश हो गया जी इत्थे आउण के। असीं ख्याले तों चले होए ते इह डेरा बाबा नानक पहुँचना ते इत्थों दा प्रोग्राम जिहड़ा सब तों इह पिंड दे विच आउण के सानूं वधिया चीज़ लगी आ। बहुत वधिया बैंड फ्लोन दा सिस्टम बहुत वधिया, बड़ा बहुत वधिया फुल बूटे लाए हर किता किता प्रोग्राम। ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਮਾਰਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।